Hello my dear students, welcome to my channel Query Solver. I am your educator Suren Singh and today I am going to teach you tens. Students, इससे पहले मैं already आपकी tens की 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ. ये आपका पार्ट नंबर 6 है. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस मैं यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें. और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में पार्ट 6. और इसमें हम बात करने वाले हैं आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. इससे जो मैंने लास्ट जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें बताया था मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में स्टूडेंट्स, और आज हम बात करेंगे आपके पास्ट कंटिन्यूअस. पास्ट मीन्स होता है स्टूडेंट आपका भूतकाल, कंटिन्यूस मीन्स होता है जारी, और टेंस मीन्स होता है काल. यानी कि ये जो वर्ड होते हैं इनके लास्ट में स्टूडेंट जो आपके जो सेंटेंस होंगे उनके लास्ट में आपका रहा था, रही थे, ऐसे एक्शन जो पास्ट में आपके जारी थे उसके लिए हम आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. और इसमें बताया गया है आपका स्टूडेंट इसका अगर हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम स्टूडेंट उसमें आपका सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद आपकी हम हेल्पिंग वर्ब, वॉच और वर्क को रखते हैं, उसके बाद हम आपकी ing फॉर्म यानी मेन वर्ब की हम ing वाली फॉर्म का यूज करते हैं, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स होते हैं उनको हम लास्ट में रखते हैं स्टूडेंट. यानी वर्ब की बी फॉर फॉर्म का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि आपकी जो वर्ब होती है उसकी हम फर्स्ट फॉर्म में अगर हम ing लगा देते हैं तो वो आपकी बी फॉर यानी अजीरेंट फॉर्म उसका बन जाता है. बात करेंगे स्टूडेंट हम वॉज का कहाँ यूज करते हैं. वॉज का यूज करते हैं हम स्टूडेंट आपके सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही सी और आपके जो सिंगुलर नाउन होते हैं उनके साथ. वर्क का यूज करते हैं स्टूडेंट हम आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, यू है, दे है और अदर आपके जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ. यू को स्टूडेंट हम प्लूरल मानते हैं इसलिए हम यू के साथ भी आपके वर्क का यूज करते हैं. एग्जांपल में बताया गया स्टूडेंट आपका आई वॉज टीचिंग, वी वर गोइंग टू स्कूल, सी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, यू वर प्लेइंग क्रिकेट एंड दे वर स्लीपिंग. तो यहाँ पर स्टूडेंट आपके यहाँ एग्जाम्पल में बड़ी आसानी से हम समझेंगे. यहाँ पर हमने आपका इट यूज़ किया और इट के साथ हमने स्टूडेंट आपका वॉज यूज़ किया है क्योंकि हम इट आपका स्टूडेंट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है आपका थर्ड पर्सन में आता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ आपके वर्ब वॉज का यूज़ किया. और आपके रैन के साथ अगर हमने आईएनजी बना दिया तो स्टूडेंट यहाँ पर आईएनजी फॉर्म यानी इसका मीन्स होगा कि वर्षा हो रही थी, आई वॉज टीचिंग मैं पढ़ा रहा था, वी वर गोइंग टू स्कूल, तो बी यहाँ आपका प्लूरल सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ आपके वर्ब का यूज़ किया है और आपकी जेरेंट फॉर्म है, उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है उसका यूज़ किया स्टूडेंट्स. तो यानी वी वर गोइंग टू स्कूल हम स्कूल जा रहे थे, सी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग वो गाना गा रही थी, यू वर प्लेइंग क्रिकेट तुम क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर स्लीपिंग वे सो रहे थे. तो यहाँ लास्ट में क्या रहा स्टूडेंट आपका रहा था, रही थे या रहे थे, ऐसे हम वर्ड यहाँ पर आपके यूज हो रहे हैं. तो ये वर्ड आपके स्टूडेंट आपके पास्ट कंटिन्यूस में होते हैं और इनके साथ हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं. नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका नेगेटिव एवं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इसका मीन्स हो गया नकारात्मक प्रश्न सूचक जो आपके वाक्य होते हैं स्टूडेंट उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका नेगेटिव का होता है. सब्जेक्ट हम सबसे पहले रखते हैं स्टूडेंट जब उसका नेगेटिव बनाते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम आपके नॉट का यूज़ करते हैं, बाकी आपका जैसे सेंटेंस दिया गया उसको हम जो कि त्यों रखते हैं. अगर हम बात करें स्टूडेंट आपके इंट्रोगेटिव अगर हम इसका हम प्रश्नवाचक बनाते हैं तो उसके साथ हम आपका वॉज और वर्ब यानी कि हम पहले हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं स्टूडेंट, उसके बाद आपकी बी फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म को रखते हैं, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और हम क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स. बात यहाँ पर आती है अगर स्टूडेंट अगर हम किसी का मान लीजिए यहाँ तो मैंने केवल आपके इंट्रोगेटिव हमने हेल्पिंग वर्ड से बनाया, अगर हम आपकी WH फैमिली से यानी आपके जो क्वेश्चनिंग करने के जो आपके वर्ड होते हैं जैसे आपका व्हाट है, व्हाई, विच, वेयर, हुम, विच, तो इनके अगर हमें आपका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो उनका भी हम स्टूडेंट इंट्रोगेटिव आपका बना सकते हैं. यह एग्जांपल दिया गया आपके स्टूडेंट ए मीन्स आपका अफर्मेटिव है एंड नेगेटिव है, आई मीन्स आपका इंट्रोगेटिव है. यहाँ पर दे वर स्मोकिंग वे स्मोकिंग कर रहे थे, तो अगर मैंने बताया इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो स्टूडेंट हम आपके हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में हम नॉट का यूज़ करते हैं. यहाँ पर देखो सब्जेक्ट वर है उसके बाद हमने नॉट और आपका ऑब्जेक्ट,
अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो स्टूडेंट उसमें हम आपके हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, उसके बाद आपके हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, उसके बाद आपके आईएनजी फॉर्म और आपके क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं। सेकंड एग्जांपल में बताया गया स्टूडेंट आई के साथ हमने वॉज यूज़ किया क्योंकि आई आपका सिंगुलर में होता है और इसी के अकॉर्डिंग हमने वॉज और आपका रीडिंग आई वॉज रीडिंग में पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट रीडिंग आई मैं पढ़ नहीं रहा था। तो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है जो आपका वॉज है उसके बाद हमने यहाँ पर नॉट का यूज़ किया स्टूडेंट। क्वेश्चन टैग में आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आना और सब्जेक्ट को आपको पीछे ले जाना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें हम नेगेटिव जो आपका इंट्रोगेटिव होता है उसमें हम पहले है आपकी हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट और उसके बाद आपका नॉट और बिफोर और आपका ऑब्जेक्ट, सेम स्ट्रक्चर ऊपर की तरह, केवल हम नॉट को स्टूडेंट आपके सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। और जो सेकंड आपका जो शॉर्ट तरीका होता है यानी इसमें हम शॉर्ट फॉर्म होते हैं जैसे वॉज नॉट को एक साथ यूज़ करते हैं उसको वॉज नॉट बोल देते हैं, वर नॉट को हम वर नॉट बोल देते हैं, तो वहाँ पर उसके बाद हम नॉट का यूज़ पीछे नहीं करते क्योंकि यहाँ हमने इसी के साथ हमने यहाँ नॉट को शामिल कर लिया है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आपका बी फॉर्म और जो आपका ऑब्जेक्ट है और आपकी क्वेश्चन टैग का आपको यूज़ करना होता है। यहाँ आपका एग्जांपल दिया गया स्टूडेंट सी वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही थी, ये आपका अफर्मेटिव है। अगर इसका हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो एक तो तरीका है हम पहले हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद नॉट को रखें और आपका जैसे सेंटेंस दिया गया यानी आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना और आपका ऑब्जेक्ट और आपका क्वेश्चन टैग इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स आपको। सेकेंड तरीका होता है आपके पास कि हम वर नॉट या वॉज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट यूज़ करना होता है, हम नॉट का यूज़ यहाँ नहीं करेंगे स्टूडेंट क्योंकि हमने यहाँ वॉज नॉट में ही आपके वॉज के साथ ही नॉट को हमने यहाँ पर शामिल कर दिया है। आपका यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हमने वॉज का यूज़ किया, यहाँ आपका प्लूरल सब्जेक्ट है देवर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल आपके खेल रहे थे, तो यहाँ दे के साथ स्टूडेंट हमने वर का यूज़ किया है, आपका आईएनजी फॉर्म है और आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है। अब इसका हम बनाएंगे स्टूडेंट आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जब हम इसका हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो स्टूडेंट पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लेके आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और आपके, उसके बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं और उसके बाद स्टूडेंट आपकी जीएन फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट और आपका क्वेश्चन टैग। सेकंड तरीका जो होता है स्टूडेंट आपका शॉर्ट फॉर्म होता है, यहाँ दे के साथ हमने वर और यहाँ पर नॉट का यूज़ किया, इस तरीके से नेगेटिव बनाया था, यहाँ पर हमने वर नॉट को एक साथ यूज़ करके हम वरंट बना दिया स्टूडेंट इसको, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट और आपके क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को वॉच करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो स्टूडेंट इसमें ये तो था आपका जो जनरली है जो हम पढ़ाई करते हैं, अब हम कंपटीशन के नज़रिए से देखेंगे और यहाँ पर जो आपकी मेन पॉइंट है मैंने उनको यहाँ पर रूल में कन्वर्ट कर दिया है। तो आपका फर्स्ट रूल है आज का स्टूडेंट कि ऐसे कार्य जो पास्ट में लगातार जारी थे उनके लिए हम आपके पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं, जैसे कि ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता था, देवर वॉचिंग टीवी, बे टीवी देखते थे। तो ये स्टूडेंट ये आपके वर्क क्या है, ये आपके कंटिन्यू चल रहे हैं यानी ऐसे कार्य हैं जो जारी थे यानी लगातार थे कि वे फुटबॉल खेलते थे या वे टीवी देखते थे। तो ये स्टूडेंट इस तरीके से आपका अगर कोई भी कार्य आपका कंटिन्यू है तो वहाँ पर आपके पास्ट कंटिन्यूस का हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो आपका कार्य किस में, एक्शन किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। सेकेंड रूल है स्टूडेंट आपका, जब हम दो एक्शन पास्ट में एक ही समय में हो रहे हों या जारी हों दोनों कार्यों के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट कि आप पास्ट में दो काम एक साथ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का आपका यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू बड़ी आसानी से समझेंगे स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में दिया गया स्टूडेंट व्हाइल माई मदर वॉज कुकिंग आई वॉज राइटिंग, तो यहाँ व्हाइल का मीन्स होता है जब, ठीक है, व्हाइल मीन्स जब मेरी मम्मी वॉज कुकिंग खाना पका रही थी तो आई वॉज राइटिंग मैं लिख रहा था। तो यहाँ स्टूडेंट दोनों काम हो रहे एक साथ, मतलब मेरी माँ खाना भी पका रही है और उस टाइम मैं आपका लिखाई भी कर रहा हूँ, तो यहाँ आपके दो काम एक साथ हुए स्टूडेंट, वो भी पास्ट कंटिन्यूस में यानी पास्ट में दोनों कार्य एक साथ हो रहे थे, ठीक है, तो उसके लिए आप हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल में आपका बताया गया व्हाइल दे वर प्लेइंग आई वॉज वॉचिंग टीवी, यानी उस टाइम वो खेल रहे थे मैं उस टाइम वो टीवी देख रहा था, ठीक है, तो यहाँ दे है तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ आपके वर का यूज़ किया स्टूडेंट। रूल नंबर थर्ड है स्टूडेंट्स आपका कि जब हम ये कुछ आपके वर्ब हैं स्टूडेंट जैसे गेट है, बिकेम है, ग्रो, गेट मीन्स क्या पाना, बिकेम मीन्स बनना, ग्रो मीन्स आपकी बढ़ोतरी से होता है, ऐसे वर्ब हैं इनका पास्ट में किसी कार्य के लिए दिनों दिन हम मतलब इंक्रीजिंग या आपकी बात कहीं
इंक्रीजिंग और डिक्रीज, यानी बढ़ने से किसी काम को या किसी काम को घटने से के लिए बोध हो, तो वहाँ पर आपके हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। स्टूडेंट ये रूल मैंने आपका आपकी जब मैंने डिग्री कराई थी एडजेक्टिव में तो वहाँ भी बताया था मैंने, ठीक है, वहाँ बताया था मैंने, हम कहीं भी आपकी जो कंप्लीट डिग्री होती है और उसके बाद आपकी पॉलिटी डिग्री होती है, या फिर हमने बताया था वहाँ पर ER वाली डिग्री होती है एंड प्लस ER वाली होती है, तो वहाँ पर भी हम इनका ING फॉर्म का यूज़ करना बताया था। तो यहाँ आपका बताया गया, देखो इसमें बताया ही वॉज बिकमिंग, यह वो बनता जा रहा है रिचर एंड वो दिनों व दिन अमीर बनता जा रहा है। तो यहाँ स्टूडेंट आप देख रहे होंगे यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ बी एग्जाम्पल में बताया गया सी वॉज बिकम मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, ये क्या है, ये भी बढ़ोतरी हो रही है कि वो दिनों ब दिन खूबसूरत होती जा रही है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग की बात हो रही है। इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, वो अंधेरे से और अंधेरा होता है, तो यहाँ क्या ये इंक्रीजिंग हो रहा है, यानी आपकी गढ़ोतरी हो रही है कि वॉज गेटिंग वो डार्कर, अंधेरे से और भी अंधेरेदार होता जा रहा है। नेक्स्ट रूल स्टूडेंट है आपका रूल नंबर 4, डायरेक्ट स्पीच में ये आपका जो हम नैरेशन करेंगे इसके बाद, तो उसमें मैं बताऊंगा कि हम ये क्या होता है। तो स्टूडेंट आपकी जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका पास्ट टेंस में होता है तथा रिपोर्टेड स्पीच आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होती है, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इनडायरेक्ट स्पीच में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आपका हम उसको पास्ट कंटिन्यूअस में आपका चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल ए में समझाया, ये स्टूडेंट आपका डायरेक्ट है, ये आपका इनडायरेक्ट है नरेशन में। तो यहाँ बताया कि राम सेड कॉमा इनवाइटेड कॉमा आई एम गोइंग टू मथुरा इनवाइटेड कॉमा बंद और आपका फुल स्टॉप। तो यहाँ क्या आप देख रहे होंगे स्टूडेंट ये आपकी क्या है, ये हमने यहाँ पर यूज़ किया इसका आपका रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में सेड है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, और ये जो आप देख रहे हो आई एम गोइंग टू मथुरा, मैं मथुरा जा रहा हूँ, तो यहाँ हमने क्या है स्टूडेंट, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। आई है तो उसके साथ हमने आई के साथ एम का यूज़ किया है, ऑजिलेंट फॉर्म। तो मैंने बताया अगर आपकी ये किस में है आपकी से, ये आपका रिपोर्टेड जो आपका स्पीच है ये आपकी, ये हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड वर्ब है स्टूडेंट, तो रिपोर्टेड वर्ब आपकी पास्ट में, तो इसका हम चेंज करेंगे, दैट आपका कंजंक्शन होता है। तो आई का यह राम है, तो राम के अकॉर्डिंग आपका थर्ड पर्सन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ही का यूज़ किया स्टूडेंट ही। आई आपका एम है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि हम ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस में, तो आई एम यानी एम वर्ड का यूज़ करते हैं हम, आपकी एम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं इज आर एम का, और आपकी प्रेजेंट सॉरी आपका जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है स्टूडेंट उसमें हम बाज या वर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ हमने उसी के सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वॉज का यूज़ किया है और गोइंग को आपका मथुरा। सेकेंड एग्जाम्पल में बताया है सुरेंद्र सेड, सुरेंद्र ने कहा कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम कमिंग फ्रॉम माय प्लेस राया, यानी सुरेंद्र नाम कोई व्यक्ति, उसने कहा है कि मैं आ रहा हूँ फ्रॉम माय प्लेस, मैं अपने राया प्लेस से गांव से आ रहा हूँ। जब इसका इनडायरेक्ट पैसे बनाया गया स्टूडेंट आपके इनडायरेक्ट नरेशन में, सुरेंद्र सेड दैट ही वॉज कमिंग फ्रॉम हिज प्लेस राया, तो ये भी स्टूडेंट आपका थर्ड पर्सन में आता है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आपके ही का यूज़ किया है, और अगर सिंगुलर है तो यहाँ हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ किया है, तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, तो स्टूडेंट आपका एम का यहाँ पर हमने वॉज में कन्वर्ट कर दिया एज आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बाकी आपका सब जैसे ऑब्जेक्ट है या अदर्स जो भी आपके बाकी हैं उनको हमने जो कहते हो लिख देते हैं स्टूडेंट्स। रूल नंबर 5 आज की वीडियो का ये लास्ट रूल है स्टूडेंट, ऐसे एक्शन जो पास्ट में व्यक्ति की आदतन या हम कहें फ्रीक्वेंसली, इसका मीन्स योग है स्टूडेंट कि कोई काम व्यक्ति रोजाना करता है डेली रूटीन में उसकी आदत में आ चुके हैं या उसकी क्या है आदत में बने हुए हैं या रोजाना करता है बार बार करता है, तो ऐसे वाक्यों में आपके ऑलवेज कंटिन्यू और एडवर्ब होते हैं, इनका यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ आपका बताया गया है कि ही वॉज ऑलवेज एब्यूजिंग अदर्स, तो ये क्या है स्टूडेंट, ये उसकी आदत है, मतलब वो ऐसी आदत उसकी पास्ट में क्या है, वो सबको गाली देता है, तो ये उसकी आदत है, ये आपको क्या बता रहा है, आदत बता रहा है, और फ्रीक्वेंटली वो बार बार ऐसा करता है, ही वॉज एब्यूजिंग ऑलवेज अदर्स, वो दूसरों को गाली देता है देता था, तो देवर कंटिन्यू थ्रीटिंग अस, देवर देते थे कंटिन्यू मीन्स लगातार, थ्रीटिंग अस वो हमें हमेशा धमकी देते थे, तो सी वॉज ऑलवेज क्राइंग, तो ये मतलब किसी लेडीज़ के बारे में बात की है, आपकी फेमिनाइन जेंडर के बारे में, सी वॉज
वो हमेशा ऑलवेज मीन्स हमेशा क्राइंग मीन्स चिल्लाती थी। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, ये किसी की पास से रिलेटिव आपकी आदत है उसके बारे में यहाँ पर उसका बताया गया है। तो आज की वीडियो थी यहीं पर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।